नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15, 16 और 17 अप्रैल के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हीं तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में और भी बेहतरीन सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 15 अप्रैल की बात करें तो गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और कृतिका नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, आयुष्मान नाम के योग के बाद दिन सौभाग्य नाम का योग रहने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 2:01 से लेकर शाम के 3:35 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे, राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा वृषभ राशि पर इस दिन संचार करेंगे। दोस्तों, 16 अप्रैल की बात करें तो शुक्रवार का दिन रहेगा, चतुर्थी तिथि और इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो सौभाग्य नाम के योग के बाद इतने शुभ नाम के योग रहने वाले हैं और राहु काल का समय सुबह के 10:52 से लेकर दोपहर के 12:26 रहेगा। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे। आखिरी दिन की बात करें तो दोस्तों, इस दिन शनिवार का दिन होगा, अर्थात शनिदेव का दिन होगा, पंचमी तिथि और वृक्षरा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। आखिरी दिन में भी दोस्तों अति गंड नाम के योग रहने वाले हैं और यह योग भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियां लेकर आने वाले हैं, परंतु दोस्तों कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना होगा। राहु काल का समय सुबह के 9:17 से लेकर सुबह के 10:52 रहेगा। चंद्रमा वृषभ के उपरांत इस दिन मिथुन में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह बदलाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में संतान की ओर से सुखद समाचार मिलने की वजह से मन जो है इसमें आपका प्रसन्न रहेगा। इन दिनों में आपके व्यवहार में विनम्रता आ सकती है, दूसरों के साथ आप जो है सहयोगात्मक रवैया अपना सकते हैं। इसमें आप जो है आपको अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होने की संभावना है। घर परिवार में सबके साथ जो है मधुर संबंध बनाए रखें और सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो, इसके लिए आप यश में प्रयास करें। घर की स्थिति अच्छी होने से आप किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए मिला जुला रहेगा। दोस्तों, बिना गहन सोच विचार के कोई भी निर्णय न लें, किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर से इसमें आप सलाह लें, किसी पुराने जो है जानकार से इसमें आपका मुलाकात हो सकता है जो कि आपको नए अवसर से अवगत करवाएगा। इन दिनों में किसी बात को लेकर परेशानियां से आप घिरे रहेंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय में आप दुविधा महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों किसी से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में आप अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुने, अपनी जो है भावुकता पर इसमें आप नियंत्रण रखें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में किसी भी कार्य को जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्वीकार करें। दोस्तों, इसमें प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो है संपर्क हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से जो है आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपकी जो है लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय मिला जुला रह सकता है। प्रेमी जीवन तो बढ़िया ही कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके प्रेमी संबंधों को कुछ मित्र जो है कानाफूसी कर सकते हैं, जिनसे आपका क्रोध और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए आपके परिजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे कोई रोग परेशान कर सकता है। दोस्तों, ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो कोई रोग या समय आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।
दोस्तों ये जो आपके लिए दिन होंगे दौड़ धूप वाला दिन होगा। अधिकांश समय व्यवसायिक और निजी संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने में जाएगा। सामाजिक जो है समारोहों में आप ये समय भाग लेंगे। आप किसी मांगलिक प्रसंग में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त गणेश जी कोई विशेष घटना नहीं दे रहे हैं। दोस्तों यह समय आपकी जो है वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप जो है अपनी हंसी मजाक से सभी का दिल जीत लेंगे। इससे निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता में सुधार होगा और इनके चलते आप मजेदार काम कमाई वाली गतिविधियों में भी यह समय भाग ले सकते हैं। दोस्तों यह समय सहकर्मियों के साथ आप जो है विचारों के आदान प्रदान करने में आनंद लेंगे। इससे आपके जो है पारस्परिक कौशल में सुधार होगा, गणेश जी का यह मानना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आप अकेले रहते हैं तो एक शानदार व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। गणेश जी उन लोगों के लिए एक अच्छे समय का वादा करते हैं जो पहले से ही प्यार में हैं। दोस्तों एक महान रोमांटिक जीवन नसीब में है। आप जो है जीवन के उज्ज्वल भविष्य के बारे में अधिक कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों वहीं इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणेश जी का मानना है इन दिनों में आप आनंदहीन सुखों पर बेरहमी से पैसा खर्च करने की संभावना रखते हैं। आपके दिल में खुश होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पैसे तो केवल एक जरिया होगा। दोस्तों यह समय ये जो आपके लिए दिन है आपके पास ऊर्जा का अच्छा स्तर होगा, रचनात्मकता शक्ति अच्छी रहेगी। हालांकि आपको इस पर प्रयोग करना चाहिए, आपको इस पर ऊर्जा को सकारात्मक और जो है रचनात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों फलों के जूस या फिर किसी भी अन्य तरल पदार्थ को लेने के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में ज़िंदगी के बेहतरीन चीज़ों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे को खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी और पहला कदम है। दोस्तों जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें यश में आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों यश में आपको गणेश जी सलाह देते हैं कि अपना नजरिया जो है दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि न सिर्फ आपके लिए यह फायदेमंद भरा साबित नहीं होगा बल्कि ऐसा करने से उन्हें आप नाराज भी कर सकती हैं। विवाह प्रस्ताव के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा, क्योंकि दोस्तों यह समय आपका प्यार जो है जीवन भर साथ के लिए बदल सकता है। दोस्तों इन दिनों में आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का जो है संयोजन कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर जो है आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की आप कोशिश करने में लग जाते हैं। दोस्तों इस लिहाज से आपके लिए जो ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है। दोस्तों आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के साथ इन दिनों के शाम में वाकई कुछ खास होने वाला है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप जो है हनुमान जी के मंदिर में बूंदी व फिर लड्डू के प्रसाद चढ़ाएं। इससे दोस्तों आपकी जो फैमिली लाइफ में जो दिक्कतें आती है वह दूर होंगी, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हर रोज़ की तरह बहुत ही सरल और भाग्यशाली टोटके के बारे में। तो दोस्तों आप जो है चींटियों के लिए 100 ग्राम शक्कर या फिर बेसन के लड्डू पंजीरी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में इनसे लाभ होगा। शायद दोस्तों आपके मानसिक शांति का इनसे आप एहसास करेंगे। वहीं दोस्तों आप अपने व्यापार में अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्यापार में बिक्री बढ़ जाए, तो दोस्तों आप जो है वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर निमंत्रण दे आएँ। इसके लिए दोस्तों आपको वृक्ष की जड़ के पास एक पान सुपारी और एक पैसा रख देना चाहिए और दोस्तों रविवार के दिन प्रातः काल में जाकर उसकी एक जटा तोड़ लाएं और उसके बाद दोस्तों यश में आप पीछे मुड़कर ना देखें और उस जटा को घर लाकर जो है गूगल की धुनी दें तथा 101 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। इस मंत्र का आप 101 बार जाप करें। इनसे दोस्तों आपके जो कारोबार में अधिक पैसा प्राप्त होगा और अपने व्यापार को आप बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों और इसी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।